राम राम सा गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे ब्लॉग में। मैं रहने वाला हूँ राजस्थान का अलवर सिटी। तो गाइस कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। यहाँ पर मोस्टली जो है, जो राजस्थान में मोस्टली देखा गया है, वो है किला। की पहाड़ के ऊपर किला बना होता है या फिर पहाड़ के ऊपर मंदिर बना होता है। तो आज ऐसा ही एक मंदिर है मेरे यहाँ घर से पास में, अर्चत माता का मंदिर। गूगल पे भी दिया हुआ है, तो वहां चलेंगे आज। मैंने कभी गया नहीं हूँ, देखेंगे, डिस्कवर करेंगे कि क्या कैसा मंदिर है। काफी सुना है रात को पहाड़ से, यहाँ से तो लाइट दिखती है रात को पहाड़ पे जलती हुई। आज वहां चलेंगे शाम को। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा कैसे लेफ्ट राइट कर रही है एंजल? हाथ में क्या है, मोटू या पतलू बता नहीं रही अब। ये तो मोटू है। हमारा कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे भाई साहब? सो गाइस, शाम के 4:45 बजे और अपन चल रहे, जैसा कि मैंने वादा किया था, अर्चत माता के मंदिर। तो यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो चलिए, पहली बार चल रहा हूँ मैं भी वहाँ पे, देख के पहाड़ पे स्थित है। तो चलिए गाइस चलते हैं, चलो आ जाओ। ये इधर खेत वेत की सामने रोड की चीज जाएगी। ये जो पहाड़ है ना, ये हमारी डेस्टिनेशन है। ये पहाड़ पे दिखा हुआ रास्ता कटा हुआ, तो यहाँ पे सफाई जाएगी है। गियर मत दियो हमें, बाउंड्री सी ना बननी दिखे आपको। ऊपर धीरे धीरे लेके चलियो, चलो चलो। पहले टाइम आया हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा धीरे धीरे अर्चत माता के मंदिर हम आ चुके हैं। ये है अर्चत माता का मंदिर जो घर से दिखाई देता है रात को। ये मेरे बच्चे जाते हैं, चलेंगे चप्पल उतार दे। चलो चलो बेटा, देख इसको, ये देख गिरेगी, रैंप पे चढ़ रही है। जब कुछ और मिलेगा गिरेगी, पीछे तो रह गया। यहाँ सीढ़ियां थी बगल में, यहाँ से क्यों नहीं चढ़ी तू? चलो आ जा। ये माता, यहाँ पे होती होती है गणेश जी की, हमारे बजरंगबली बाबा, श्री कृष्ण, परिक्रमा लगे। मैं राजा राजा क्या नजारा है सर। ये बम्बोरा में स्थित है, बम्बोरा नाम का गांव है। और वहां दूर पे पहाड़ी पे भी एक, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, पर वहां पे भी एक ऊंचाई पर एक खंडर सा दिख रहा है। मे भी शायद मंदिर हो, कुछ लोग चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और तो हम वहां से हैं, वो वाला पहाड़ दिख रहा है V4V। तो वहां से आराम से ले चलिए। मैं सोने पड़ूंगा, मुंगा उगले मसाड़ी सामने देखो सामने। आंटी ये कहां जा रहा है रास्ता? ऊपर देवी है, यही वाली दूसरी है। गाइस घर आ चुके हैं अपन, माता जी के मंदिर से होती आ गया। तो गाइस माता के मंदिर गए अभी, जस्ट घर आए। मौसम थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए ऊपर भैरू बाबा के नहीं जा पाए,
अगली बार जरूर जाएंगे तो डेफिनेटली, और आपको रात को जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ से हमारे घर की छत से कैसे दिखता है वो मंदिर, बहुत लाइटनिंग कर रखी है वहाँ पे। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि रात सो हमारे घर से दिखता है ये जो सामने लाइटनिंग दिख रही है, ये वो माता का मंदिर है। अब मेरा कैमरा इतना ही जूम कर सकता है और क्लियरिटी, तो बस आपको दिखाना था कि ये यहाँ से घर से लाइटनिंग दिख रही थी काफी टाइम से, तो अट्रैक्ट कर रही थी, तो आज हो भी आया अपन वहाँ पे। तो आज जब माता के मंदिर गए काफी अच्छा लगा, थोड़ा सा ऊपर जाने से रह गए थे भैरवा, क्योंकि कच्चा रास्ता था तो पैदल जाना था और मौसम खराब हो गया था, बारिश आ गई थी, आंधियां चल रही थी, तो इसलिए वापस घर आना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा डेफिनेटली यही सोच के जाएंगे कि ऊपर जाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था पहले कि वहाँ भैरव बाबा का भी कुछ सिस्टम है, तो बाद में समझ में आया बताया कि ऊपर भैरव बाबा भी है, जो मैं औरतों से पूछ रहा था। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, होप सो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट्स गाइस कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा व्लॉग आपको, क्योंकि आपके कमेंट्स आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, कुछ करने का मन करता है कि और आगे बढ़ने का मन करता है, तो प्लीज लाइक करना ज्यादा से ज्यादा और कमेंट्स करके बताना। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मेरी बच्चा पार्टी तो अभी मोबाइल में लगी हुई है, और See you soon guys, see you in the next vlog.